बिलासपुर सिरगिट्टी थाना के अंतर्गत निर्माणाधीन मकान के सेप्टिक टैंक में मिला कंकाल, हत्या का ठिकाने लगाने का अंदेशा, भवानी नगर की घटना। हड्डियों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। दरअसल सिरगिट्टी पुलिस को सूचना मिली कि किसी का कंकाल जमीन पर मिला है। खबर पाकर मौके पर पहुंची CSP पूजा कुमार सिरगिट्टी थाना स्टाफ ने मामले की जांच की और आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। आपको बता दें कि भवानी नगर सिरगिट्टी क्षेत्र में सनसनी उस समय फैल गई जब निर्माणाधीन मकान के सेप्टिक टैंक में नरकंकाल मिलने की जानकारी मिली। यह नरकंकाल किसका है पहचान नहीं हो पाई है। सेप्टिक टैंक में मिले कपड़े के आधार पर इसे पुरुष का माना जा रहा है। जांच के लिए नरकंकाल को फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। निर्माणाधीन मकान भवानी नगर निवासी सरोज कुमार साहू, पिता स्वर्गीय छेदी राम साहू 45 वर्ष का है। बुधवार को वो भवानी नगर में बंद निर्माणाधीन मकान में प्रिंट लेवल तक बने सेप्टिक टैंक की खुदाई करवा रहा था। इसी दौरान सेप्टिक टैंक के अंदर मानव कंकाल के सिर का हिस्सा नजर आया। उसने इसकी सूचना फोन से सिरगिट्टी पुलिस को दी। TI ने CSP पूजा कुमार को जानकारी देते हुए मौके पर पहुंची पुलिस सेप्टिक टैंक से कंकाल को बाहर निकलवाया। शेष कंकाल रेप के अंदर दबा हुआ था, उन्हें भी निकाला गया। पता नहीं चल पाया है कि कंकाल किसका है। कंकाल के साथ कपड़े भी बरामद हुए हैं, यह किसी पुरुष के थे। इसके आधार पर यहां से नरकंकाल माना जा रहा है। पुलिस जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद उसकी पहचान और मौत के कारणों का पता चलेगा कि लाल कपड़े के आधार पर उसकी पहचान कराने की कोशिश चल रही है। फिलहाल यह बहुत ही गंभीर मामला है और इससे यह तो जरूर साबित होता है कि किसी ने हत्या करके लाश को छिपा दिया था। बहरहाल पुलिस इसे गंभीरता से देख रही है।